हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर सेजल। और आज है DIY डे। सो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों को कैसे लंबे कर सकते हो, वो भी सिर्फ कम समय में, लाइक 1-2 महीने में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएगा। सो अगर आप मेरा बिफोर आफ्टर पिक्चर देखोगे जो थंबनेल में है, लाइक मैंने अपना हेयर नेक के ऊपर तक कटवा लिया था और कुछ ही दिनों में बस मैं ये हेयर ऑयल को यूज़ करती थी और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिला है मुझे, ट्रस्ट मी गाइस। सो अगर आपको जानना हो कि DIY हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे बनाते हैं तो कीप ऑन वॉचिंग। सो चलो देखते हैं अब हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेगा और कौन से मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। सो हमें सिर्फ चाहिए 2 चीज़ें जो सबके घरों में होता है, वो है ये कांदा या फिर अनियंस और ये कोकोनट ऑयल। चलो देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सो विल सी द मेथड टू मेक हेयर ग्रोथ ऑयल। सो सबसे पहले हम कांदा को चॉप कर लेंगे, साइड का जो भी वेस्ट होता है वो, और मेक श्योर कि आप लाल वाला जो पिंक वाला कांदा होता है वो वाला कांदा यूज़ करें। सो यस, अब हम इसे फाइनली तो चॉप नहीं करेंगे, बट हाँ छोटे छोटे क्यूब्स में चॉप कर लेंगे। फिर इसे हम मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। सो यस, वही मैं अभी कर रही हूँ। मैंने अपने कांदा को वॉश कर लिया था एंड नाउ आई एम कटिंग इट। मैं छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कट कर रही हूँ ताकि वो मिक्सचर में अच्छे से फिर पिस जाएगा। सो या, अब हम इसे डालेंगे अपने ब्लेंडर में, अब जार में डालेंगे इसे एंड इसे पीस लेंगे अच्छे से, एकदम थिन पीस। हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, ऑलरेडी अनियन में काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा होते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक बोल में कोकोनट ऑयल ले लेंगे। अब आपको अपने हेयर लेंथ के हिसाब से लेना है, सो मुझे जितना रिक्वायर्ड होगा मैं उतना ले लूँगी। सो दिस इज़ अराउंड 2-2.5 स्पून्स और मैं इसे गर्म कर लूँगी। बट अब इसको जलाना नहीं है, बट आपको इसे थोड़ा सा, आप देख सकते हो थोड़ा, जब ऐसे फ्लेम ऐसे स्मोक टाइप आने लगे तो आप इसे निकालो और इसे ठंडा कर लो। देन अब हम इसमें जूस मिक्स करेंगे। सो ये एक सैटिन का बोल सकते हो या फिर जो भी दुपट्टा है, क्लीन दुपट्टा, इट्स ऑफ माई मॉम। सो उसी में मैं एक एक डालकर अच्छे से स्क्वीज आउट कर लूँगी। सो आप देख सकते हो एक अनियन में से कितना ज़्यादा अनियन जूस निकल रहा है। सो आप जब इसे डालोगे ऑयल में तो आपको इसे थोड़ा सा फटाफटा लगेगा, बट डोंट वरी, दैट इज़ द मिक्सचर। सो लेट्स सी अब मैं इसे कैसे अप्लाई करती हूँ। आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ अप्लाइंग, सो आपको ज़्यादा फैंसी लगेगा, बट नो, मैं हमेशा ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। एक कॉटन ले लूँगी, छोटा सा कॉटन, एंड कॉटन से ही अच्छे से प्रेस करके लगाती हूँ। सो अभी आप इसे देखोगे, साइड से स्टार्ट करती हूँ एंड एक एक पार्ट लेकर मैं उसे अच्छे से प्रेसिंग वे में लगाती हूँ। सो उससे ये होता है ना, जो भी अनियन का हेयर ग्रोथ ऑयल है, जो ऑयल है वो अच्छे से अपने जो पोर्स होते हैं और एकदम हल्का सा गर्म होता है ना, हल्का का नहीं बोल सकते लेकिन बहुत हल्का गर्म होता है। सो वो कैसे पोर्स को भी ओपन करता है, प्लस ऑयल को इंसर्ट होने में थोड़ी सी हेल्प होती है। सो कुछ चीज़ें ऐसे हम बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती अगर बॉक्स में घुसाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। सो उस प्रकार ऑयल भी वर्क करता है। एंड आप देख सकते हो ऐसे पार्टीशन कर करके मैं फुल हेयर में लगा लूँगी अच्छे से। एंड उसके बाद आपको इसे मसाज करना है। ऑफकोर्स नाउ यू नो मसाजिंग इज़ अ बेस्ट वे टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, और आप जहाँ भी मसाज करोगे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ ज़्यादा बढ़ता है। सो हम हेयर्स में भी करेंगे ताकि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ भी बढ़ जाएँ। अब अनियन क्यों हमारे लिए हेयर के लिए अच्छा होता है, इज़ बिकॉज उसमें सल्फ़र होता है, और सल्फ़र जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके लिए, उसके हेयर ग्रोथ, हेयर थिनिंग है, अगर आपको हेयर बॉल्ड पैचेस है सो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग देता है वो। अनियंस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, जो अगर आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग के साइंस है तो फिर उसे भी वो स्टॉप करता है और उसे वो रिवर्स करता है वो प्रोसेस को। सो अनियन इज़ फुल ऑफ ऑल गुड प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स रियली गुड फॉर हेयर। बट आपको एक चीज़ तो पता होगा, कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तो वो नुकसान हो जाता है। सो अगर आपके हेयर्स में क्वान्टिटी सल्फ़र का ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी आपको हार्म ही करेगा। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट था, जो कोकोनट ऑयल है, उसके बारे में तो क्या कहना, इट गिव्स शाइन एंड लस्टर टू योर हेयर, वो उसको स्मूथ बनाता है। सो मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे साइड कैसे लगाना है। सो इसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप इजीली सिर्फ अपने इमेजिनेशन के पावर और सब कुछ से आप लगा सकते हो। और इसे मसाज करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं इसे सिर्फ स्काल्प में और थोड़ा थोड़ा अपने रूट्स पर भी लगा लूँगी ताकि आई वॉन्ट मेरे रूट्स को भी थोड़ा नरिशमेंट मिले।
सो या बस ऐसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और जैसे मैं बोल रही थी कि मसाजिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे अपने फिंगर टिप से मसाज करना है, नेल से नहीं करना है, अदरवाइज अगर कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह है वो स्प्रेड होते हैं। फिंगर टिप से सर्कुलर मोशंस में धीरे धीरे इसे मसाज कर लेना है। सो जैसे कि अब आपको पता है कि कितने सारे इसके फ़ायदे हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसे यूज़ करो। एंड आपने आई एम श्योर बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे यूट्यूब पे, सो या जस्ट यूज़ दिस एंड यू विल सी द डिफरेंस। फिर आप इसको बन में बना लो और इसे 1 या 2 आवर्स के लिए अपने हेयर्स पर रहने दो, एंड यू कैन सी द आफ्टर इफेक्ट। ये आपके हेयर को स्मूथ शाइन भी देता है, प्लस ऑनियन आपको हेयर को अच्छे से कंडीशन भी करता है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल सच अमेजिंग वीडियोज़। आई मेक मेकअप ट्यूटोरियल्स और बहुत कुछ करती हूँ मैं, DIYs तो जस्ट मैं अपनी रिसर्च पर बनाती हूँ। सो येस, इफ़ यू लाइक देन लाइक दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय।